नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश है, आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, हमारे कई व्यूअर का कमेंट भी आया था कि हमारे घर में जो स्विच लगे हुए हैं, जो सॉकेट लगे हुए हैं, उनमें करंट आता है। अब करंट क्यों आता है, इसका करंट आने का रीजन क्या होता है, कि करंट क्यों आता है स्विच में, और अगर आता है करंट तो उसे हम सही कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इसका मेन रीजन समझेंगे कि करंट स्विच में क्यों आता है और इसे हम सही कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास स्विच है, इस प्रकार के स्विच आपको घर में लगे हुए मिलेंगे और आपको ये MCB भी आपको घर में लगा हुआ मिलेगा। अब अगर आप इसको नॉर्मली इसको टच कर रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है, आप अगर अनजाने में स्विच को ऑफ कर रहे हैं या फिर ऑन कर रहे हैं, तो आपको झटका लगेगा, ठीक है, जो कि बहुत तेज झटका लगता है। अब अगर आप उसको टेस्टर से अगर आप चेक कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसके ऊपर ऐसे टेस्टर पे चेक कर रहे हैं, तो जो आपका टेस्टर होगा वो पूरा पूरा ग्लो होगा, ठीक है। दोस्तों इसका आने का रीजन क्या होता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो करंट आता है, मान लीजिए कहीं पर भी MCB में करंट आ रहा है या फिर स्विच में करंट आ रहा है, तो यह ओनली घर में ही नहीं होता है, ये फैक्ट्री में भी होता है, यानी कि इंडस्ट्री में भी होता है कि आपके स्विच में या फिर MCB में करंट आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर घर में करंट आ रहा है तो नॉर्मली कई लोगों को नहीं पता होता है कि ये करंट क्यों आ रहा है और इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। इंडस्ट्री में अगर आपके स्विच में या फिर MCB में करंट आ रहा है तो उस वक्त क्या किया जाता है, दोस्तों पहले जान लेते हैं कि ये करंट आता क्यों है और फिर इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों करंट आता इसलिए कि मान लीजिए कि आपके स्विच में करंट आ रहा है, तो अगर जब भी बारिश होगा, बारिश में आपके स्विच में सॉकेट में करंट आना पॉसिबल हो जाता है। अब वो क्यों होता है, क्योंकि जब बारिश होता है तो बारिश लगभग हर जगह होता है और कुछ उसके मॉइस्चर जो होते हैं, जो उसके पानी के जो कण होते हैं, तो आपके स्विच में या फिर MCB में मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपका स्विच से ही फेस कंट्रोल होता है, ये तो आपको सबको पता है कि स्विच से ही हमेशा फेस कंट्रोल होता है, स्विच हो या फिर आपका MCB हो, MCB से या फिर स्विच से फेस को ही कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रल कभी भी कंट्रोल नहीं करते हैं। अगर क्यों नहीं करते हैं, इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो स्विच से जब फेस कंट्रोल करते हैं तो फेस आपका यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर आपको लोड मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि मॉइस्चर आ गया, तो ये आपका मॉइस्चर यहाँ पर आकर के यहाँ पर आपका यहाँ तक आ जाएगा, तो पानी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, ये विद्युत का कुचालक नहीं होता है। पानी अगर आपका कहीं पर भी स्विच में या फिर MCB में आ गया है तो आपका करंट आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर आपका यहाँ पर आ जाएगा तो जो ये करंट है, जो लीकेज करंट आपका पूरे स्विच में आ जाएगा। अब करंट आने से अब अगर आप इसको ऑफ कर रहे हैं या फिर ऑन कर रहे हैं, अगर ऑफ है तब भी करंट आएगा, अगर ऑफ है तब भी आएगा करंट, क्योंकि फेस तो आपका यहाँ पे है ही है और पूरे स्विच आपका मतलब मॉइस्चर आ गया है, ठीक है, पानी आ गया है तो आपका करंट आएगा। तो इस कंडीशन में आपको अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं या फिर ऑफ कर रहे हैं तो आपका करंट आएगा। अब दोस्तों बात ये आता है कि इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इसका सही करने का तरीका क्या होता है। दोस्तों अगर घर की बात करें तो घर में नॉर्मली आपको आदमी को नहीं पता होता है कि अगर करंट आ रहा है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो दोस्तों इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में वर्क करता हूं और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि स्विच में या फिर MCB में करंट आ रहा है। दोस्तों उस कंडीशन में हम लोग ये करते हैं कि जो आपका हॉट ब्लोअर आता है, जो हॉट गन आता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जो लेडीज जो होते हैं, जो बाल को सुखाते हैं, जो ब्लोअर आता है गर्म वाला, जो हीट ब्लोअर आता है, उसको अगर आप ऑन करके आप अपने स्विच में या फिर सॉकेट में आप ब्लोअर मार देंगे तो क्या होगा कि ये जो इसमें मॉइस्चर है, ये जो आपका स्विच में जो मॉइस्चर है, ये सूख जाएगा। आप इसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप पास में करके आप इसको ब्लोअर मारेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ब्लोअर कम से कम, जैसे मान लीजिए ये आपका स्विच है और ये आपका ब्लोअर है, तो कम से कम इतनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 मीटर से 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इतने दूरी से अगर आप पूरे स्विच पर या फिर पूरे अपने बोर्ड पर, जो आपका बोर्ड होता है, जो आपका स्विच बोर्ड होता है, अगर आप उतने पे अगर गर्म हवा अगर आप
इस पर देंगे तो जो इसका मॉइस्चर होगा ये सूख जाएगा और फिर आपका करंट आना बंद हो जाएगा। दोस्तों यही इसका परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन दोस्तों इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी बारिश होगा तब भी करंट आएगा। अब मान लीजिए कि बारिश आया और फिर दो दिन बाद ख़त्म हो गया या फिर एक दिन बाद ख़त्म हो गया तो जब धूप निकलेगा तो ऑटोमेटिक जो इसका मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा। लेकिन अब अगर आपको बारिश के दिनों में ही आपको स्विच को ऑन ऑफ करना है तो ये तो प्रॉब्लम आएगा। तो आप गर्म ब्लोअर से इसमें पूरे स्विच पे या फिर पूरे बोर्ड पर एयर मार देंगे गर्म एयर तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इसका दोस्तों परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं है क्योंकि आपका बारिश होगा ही होगा हमेशा और स्विच में करंट आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन यही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपके काम के लायक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।